आइए एक नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों पर। खाद्य पदार्थों में थूकने, फर्जी नाम से बेचने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार सख्त कानून ला रही है। साथ ही उपभोक्ताओं को इसकी पहचान जानने का अधिकार देने के लिए भी अलग से अध्यादेश लाने की तैयारी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास पर दोनों अध्यादेश लाने के बारे में विधि आयोग, गृह विभाग, पुलिस, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में मंगलवार 15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई प्रस्तावित है। इसको लेकर चयनित व अन्य अभ्यर्थियों की निगाह सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। साथ ही दोनों पक्ष के लोग सुनवाई के लिए दिल्ली में डेरा डाले हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहराइच हिंसा के पीड़ित परिवार से मंगलवार को मुलाकात करेंगे। मृतक राम गोपाल का परिवार मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ रवाना हो गया है। विधायक महसी सुरेश्वर सिंह पुलिस और पीएसी टीम के साथ गांव पहुंचे थे। कुछ देर पहले परिवार विधायक के साथ लखनऊ रवाना हो गया है। यूपी उपचुनाव को लेकर आज चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर सकता है। उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर संभावना है कि दोपहर 3:30 बजे के बाद चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा की चुनावी तारीखों के साथ उपचुनाव का कार्यक्रम भी जारी रहेगा।